डूंगरपुर में आदिवासी महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले आरोपी शिक्षक भंवरलाल परमार के खिलाफ एक बार फिर लोग सड़क पर उतर आए हैं। हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों ने गुरुवार को आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने शिक्षक भंवरलाल परमार को निलंबित करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की। विधायक गणेश गोगरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के नेतृत्व में सुबह आदिवासी समुदाय के हजारों महिला पुरुष पहले वागड़ गांधी वाटिका में जमा हुए। इसके बाद शिक्षक भंवरलाल परमार को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शहर में रैली निकाली। यह रैली गांधी आश्रम से नया अस्पताल, नया बस स्टैंड और तहसील चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक गणेश गोगरा ने कहा कि सरकारी शिक्षक भंवरलाल ने आदिवासी महिलाओं का अपमान किया है और मुकदमा दर्ज होने के 10 दिन बाद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। इसको लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। विधायक ने कहा कि शिक्षक भंवरलाल को गिरफ्तार करने और उसे निलंबित करने की मांग को लेकर आदिवासी महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा है। जल्द ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। धरने में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व प्रधान महेंद्र बड़जोड़, उप जिला प्रमुख सूरता परमार ने शिक्षक भंवरलाल को गिरफ्तार करने की मांग रखी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।